कटआउट की भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है ना, तो सर बेसिक, कॉम्बिनेशन लेंस था। हाँ तो जैसे देखो बेटा ये देखते हैं, तो ये जो लाइट रे है पहले ये बेंड करता है थोड़ा और फिर ये बेंड करता है, आगे यस बात में। सर, यस अब सर, यदि यहाँ से रेज होगी तो ये एक टाइम बेंड होगी है ना, और ये यस दूसरी बार सर, नीचे बेंड करती है, तो ये दोनों मिलके ये लेंस बनता है, आ गई बात समझ में। यस सर, आ गया। तो अब यहाँ पे यदि हम देखा जाए तो मान लो हमने ये है लेंस, ठीक है, इसको मान लो कट कर दिया हमने, एक ही सरफेस ली, तो एक सरफेस ली तो उसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर पी है क्योंकि ये दो सरफेस से मिलके बना है, तो इसकी पावर कितनी होगी, पी P/2। बाय P/2। टू। अब पावर हाफ हो जाएगी तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल सर, डबल हो जाएगी सर, डबल। यदि फोकल लेंथ एफ है तो इसकी कितनी डबल हो गई, टू आ गई बस उनमें। यस सर, सर अवर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में बेटा क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही रहेगा ना, फोकल लेंथ सेम रहेगी सर, पावर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। इवन आप इतना नहीं, यदि आप ये मानो कि यदि आपने इतना सा पार्ट कट किया ये वाला एक है ना, तो एक ये वाला पार्ट है, मान लो ये एक लेंस था, ये हाफ लेंस था है ना, और इसका आपने मान लो ये वाला पार्ट भी कट कर दिया ऊपर वाला, तो भी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं होगी सर, आएगा। और किसी चीज में आएगा चेंज नहीं, इंटेंसिटी कम होगी जो इमेज होगा बेटा उसकी, ओके इंटेंसिटी सर, कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे यदि हमने दूसरा मीडियम लगा दिया, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है ना, तो यदि कोई पैरेलल रेज आएगी तो ये रेज मान लो यहाँ पे मिल रही है और ये वाली रेज हो सकता है इधर मिले, तो क्या होगा, टू इमेजेस बनेगी, एक ये वाला पोर्शन यस इमेज बनाएगा, एक ये वाला पोर्शन इमेज बनाएगा, आ गई बात समझ। सर एक ऐसा क्वेश्चन था सर, अगर हम इनका सर जब से दो रेज आएगी तभी करेंगे जाके वो होगा ना, एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम इनको कॉम्बिनेशन करेंगे सर, जैसे आपने लेक्चर में बताया था, जैसे सर हमने एक सीधा रखा और एक को मतलब उल्टा करके रख बिल्कुल दिया, तो सर एक बार मोर देखो सुनो एक्सप्लेन। इधर बेसिकली यदि हम देखा जाए प्रिज्म से समझते हैं हम, ठीक है, ये एक प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है, एक प्रिज्म ले लिया, अब ये बताओ ये एक लाइट रे, इसका ओरिजिनल पाथ ये है, यहाँ तक आई, यस सर, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, एक नॉर्मल, ये नॉर्मल बनाया हमने, ठीक। अब लाइट रे जाना कैसी चाहिए थी, स्ट्रेट जाना चाहिए थी, ठीक है, यस सर, तो ये हमने इस पाथ बनाया, ठीक है, कि जाना जो चाहिए था वो उसको ऐसे जाना चाहिए था, आ गई बात सुनो, यस सर, टुवर्ड्स जाएगी, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में वो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड हो जाएगी है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल, यस सर। यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल, नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए था, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, ऐसी सीधी जानी चाहिए, ये आपकी ऐसी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन किस साइड बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे टू नॉर्मल, हां अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको बेंड कर देते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये इधर चली गई, आ गई बात समझ में, यस सर। और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, क्योंकि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुई है ना, ओरिजिनल पाथ ये था और इससे कितना बैंड हुई है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो देखो ये जो ट्रायंगल शेप होता है इसमें कितनी बार रिफ्रेक्शन होता है, टू टाइम्स, टू टाइम्स, और दोनों साइड किस साइड बेंड होती है, बेस वाली साइड बेंड, किस वाली साइड होती है, बेस, हाँ, तो आपका जो लेंस होता है, हमारा जो लेंस होता है वो भी क्या एक ट्रेंगुलर शेप जैसा है, yes, sir. Yes, sir. इसमें जो रेज है वो भी बेस वाली साइड बेंड होगी, अब ये जो ट्रेंगल है नीचे वाला, इसका बेस किधर है, ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, आ गई बात समझ में, yes, sir. अब मान लो हमने एक लेंस था, इसके टू पार्ट, ट्रायंगल में तो बेस कहीं कोई कोई सी भी साइड हो सकता है, कहीं भी कैसा होगा, जिस साइड से आ रही, जिसको हमने उसको रखा हुआ है, उसका बेस ये होगा ना, अब इसका बेस ये थोड़ी लेंगे, यही होगा सर। अब यदि यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, तो हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट बचा उसको हमने एक को ऐसा रख लिया, एक को ऐसा रख लिया है ना, तो इसका, ठीक है, या इसको उल्टा रख देते हैं, ठीक है,
तो अब उल्टा रख दिया, तो ये सेम पावर के, क्योंकि एक ही लेंस के पार्ट है दोनों, है ना, तो पावर तो सेम है। इसकी पावर होगी नीचे की तरफ बेंड करने की, इसकी पावर होगी ऊपर की तरफ बेंड करने की, तो नेट कोई एक दूसरे के पावर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कोई बेंड नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, ये नीचे की तरफ बेंड हुआ, उसने वापस ऊपर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, शिफ्ट हो जाए, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है सर, ये जो शिफ्ट होगा ये नोटिसेबल होगा या फिर बिल्कुल कम होगा? बेटा हमारे सिलेबस में है ना थिन मिरर्स है, थिन लेंस है ना, मतलब बहुत थिकनेस बहुत कम रहेगी, ये वाली थिकनेस नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, यस सर। आपने पैरेलल तो नहीं बताया था कि अगर दो इंसिडेंट है तो वो पैरेलल हो जाएंगे, तो सर फोकल लेंथ इंफिनिटी मतलब फोकस, मतलब जैसे देखो ये रेज आई है ना, अब एक और रेज होगी वो भी ऐसी रहेगी, तो ये रेस कभी मिल रही है क्या? मतलब मतलब ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है? स्लैब की तरफ, क्योंकि एक की पावर पॉजिटिव है ना, एक नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा था, एक ऊपर की तरफ कर रहा था, दोनों ने एक दूसरे की पावर को कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या? कुछ नहीं, लेंस का नेचर, हाँ लेंस का नेचर तो कुछ बचा ही नहीं है, है ना, तो पावर जीरो हो गई, पावर जीरो हो गई, मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई? इन्फिनिटी, मतलब वो रेस कभी भी नहीं मिलेगी जो पैरेलल रेस आएगी। आ गई बात सुन में? यस सर आ गई। और बताओ कोई समस्या? लेटरल शिफ्ट होता है, लेटरल शिफ्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड शिफ्ट, क्या होता है इसका डेरिवेशन बताया था नहीं बताया था मैंने? जैसे मान लो ये है, आना चाहिए था ऐसे, ये जो इसको जाना इस टाइप से चाहिए था, लेकिन क्या होगा जैसे ही इस डेंसर मीडियम में गया किस साइड बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, वापस से डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ये लेटरल ठीक है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के डिस्टेंस, हाँ ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट हो गई, उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है? हाँ बेटा वो काम का नहीं है, वो मतलब बताया था, बता दिया था, लेकिन वो कोई यूजलेस है ना, मतलब लेक्चर से एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम? सर ये बता दो। ठीक है बता दो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है लेटरल शिफ्ट में? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ अब इधर देखो बेटा, ये मान लो एक लेंस है, ठीक है, अच्छा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो इन दोनों की स्पीड के रेशियो पे डिपेंड करता है। यस सर। अच्छा मान लो ये वन है और ये टू है, अच्छा ये टू है और ये फोर है, क्या कोई चेंज आएगा? नो सर, नो सर, सेम ही बेंडिंग होगा, है ना? यस सर। इसका 10 है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इसका 20 है तो भी सेम है? यस सर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, मतलब दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है, तो इंडिविजुअली पे कोई डिपेंड नहीं करता है। अरे बात सुन रहे, अब मान लो इस टाइप का था, है ना, कि ये इस तरीके से बेंड कर रहा था, ठीक है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 था और इसका 1 था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यदि इसको ये एयर था और ये ग्लास था, है ना, अब हमने मान लो इसको वाटर में रख दिया, कहाँ रख दिया? वाटर में। तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो 2 ही रहेगा। यस सर। यस सर। का कितना होगा? 1.3 हो गया। 1.3। तो अब रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? तो 2 डिवाइड बाय 1.3 करो, कितना आएगा अप्रोक्सीमेट? 1.4 1.5 मान लेते हैं ना। अब हमारे पास जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, कि ये हो गया हमारा 1 और ये कितना हो गया 1.5। अब रेशियो कम हो गया तो जल्दी बेंडिंग होगा या लेट? सर लेट, लेट होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब ये बताओ यदि दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, ये भी आपका 2 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, तो कोई बेंडिंग? कोई बेंडिंग नहीं हुआ। क्या बेटा? ग्लास स्लैब कैसे बन गई?
क्योंकि दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम ही है ना. ग्लास स्लैब मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब ग्लास स्लैब नहीं बना, ये एक समझ लो कि कुछ नहीं है, बस एक लेयर है पन, मतलब जो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम ही है. तो लाइट रेज में कोई बेंडिंग नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता है कि अंदर कुछ चीजें हैं. ठीक है, ये सर आपने कॉनकेव लेंस वगैरह में भी बताया था कि ग्लास स्लैब बन जाती है, तो सर ग्लास स्लैब मतलब दोनों आसपास है ना, ग्लास से बन जाती है मतलब वो कोई बेंडिंग नहीं करती, ये मैं बोलना. ठीक है, बट सर ग्लास स्लैब के अंदर तो रिफ्रैक्शन होता है. नहीं बेटा, बेंडिंग जैसे क्या होती है, इधर हुई वापस से पैरेलल हो जाती है बस. ठीक है, वापस से हो जाती है ना सीधी. ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर बनाते हैं. तो अब देखो यहाँ पे, यदि अब हमने क्या कर दिया, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया, इसका 3 कर दिया और इसका 2 कर दिया, तो ये क्या करेगा, अपना नेचर अभी चेंज कर लेगा. चेंज कर लेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग. आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो एक मिनट रुक जाओ, एक और एक फॉर्मूला भी है. ठीक है, मैं उसको यूज करना बता देता हूँ, लेकिन वो 10th के हिसाब से नहीं है. क्लियर है? देखो इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला. क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला. ठीक है, ये इसके कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे. क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ये अपने देखो अपने एमपी में भी नहीं है और एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट के उसमें होगा, है ना. जैसे हो सकता है किसी और स्टेट के हमारे एमपी में नहीं है. ठीक है, एमपी में भी नहीं है और एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो हमें हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है. क्लियर है? लेकिन किसी और स्टेट के इसमें होगा. ठीक है, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है. आप लोगों की इच्छा है इसलिए मैं बता देता हूँ. ठीक है, ये मान लो एक लेंस है. क्लियर है? तो लेंस बनने में बहुत ज्यादा एक लेंस है. अब मान लो इसकी ये जो सरफेस है, इसका रिफ्रेक्ट, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R1. कितना है? R1. इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2. इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है μ2. ठीक है, तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है वो 1/f = होता है इस वाली सरफेस की और इस वाली सरफेस की. क्लियर है? ओके सर. अब देखो इधर मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में 1 बना के सॉल्व करना चाहता हूँ. तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 हो गया और इसका कितना बना लिया मैंने? म्यू. ये फॉर्मूला हो जाता है 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2. आ गई बात समझ में? यस सर. जैसे इसका 2 है और इसका 3 है, तो मैं क्या चाहता हूँ, इसका 1 ले लेता हूँ और इसका 3/2 ले लेता हूँ. आ गई बात समझ में? यस सर. तो मुझे ये वाला ज्यादा पसंद होता है. ठीक है, कि मैं हमेशा रेरर वाले को क्या मान लेता हूँ, एयर मान लेता हूँ और उसके रिलेटिव में उसको कर देता हूँ. आ गई बात समझ में? यस सर. सर इसमें डिवाइड ही करना होता है क्या, ऐसे 2 में से माइनस 1 कर दे? नहीं, माइनस नहीं बेटा, रेशियो पे डिपेंड करता है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. यस सर. रेशियो है ना प्लस. सर R1 R2 क्या है? R1 बेटा इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ये सर एक तरीके से उन्होंने यही किया था डिवीजन, वही किया है, वही है. ठीक है, वही है याद रखने का बस. अब देखो मान लो ये एक सरफेस है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने बोल दिया 1.5 है. कितना है? 1.5. इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 और इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20. अब इस लेंस हाँ ठीक है, इस लेंस की हमें क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ. क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ. तो देखो आपको ध्यान से देखना, देखो 1/f इक्वल टू 1.5 - 1. यहाँ तक समझ में आया? अब देखो yes. अब रेस इधर जा रही है, तो इस वाली जो R1 सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इधर की साइड होगा. यस सर. पॉजिटिव साइड होगा. इसलिए लिख दिया मैंने 1/10.
माइनस, अच्छा आर टू वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, यस सर नेगेटिव, नेगेटिव साइड होगा, तो इसलिए माइनस ऑफ माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय ट्वेंटी, आ गई बात समझ में, तो वन बाय एफ इक्वल्स टू 0.5 है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे नीचे आ जाएगा कितना, इसको आप सॉल्व करो तो देखो 1 by f equals to 1 by 2 लिख सकता हूँ मैं इसको 3 upon 40, तो f equal to आ गया सर 3 by 40 हो जाएगा focal length है ना बेटा, yes sir, तो इस लेंस इसको समझ में आया, इसको यूज करना सर, इसको भी पावर कह सकते हैं, हाँ देखो लेंस है या पावर अलग से निकाल लो, इसे इसमें मिलाओ मत उसको, ठीक है, हाँ सर हमारी पावर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगी ना, तो फोकल लेंथ डिपेंड करती है तो ऑब्वियसली वो भी करेगी है ना, ये बात आ गई समझ में, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना, आपको इसलिए बता दिया लेकिन इसका लोड मत लेना है ना, कुछ क्वेश्चन है वो बस, अब देखो इसमें एक चीज का ध्यान देने वाली मैं बता रहा हूँ, वो चीज ध्यान देना आप जो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा ये बताओ ये मान लो आर वन है और इसके सरफेस का आर टू है, ये म्यू टू है और ये आपका म्यू वन है, तो वन बाई एफ इक्वल टू मैंने लिखा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, अच्छा एक बार बताओ यदि इफ म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, तो एफ कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरफ, यस सर कन्वर्जिंग, यस सर कन्वर्जिंग है ना, अच्छा यदि इफ म्यू टू इक्वल्स टू म्यू वन है तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो, जीरो हो जाएगा, यस सर, तो फोकल लेंथ कितना हो गया इसका, मतलब एक मटेरियल है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में है ना रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जीरो है, मतलब कोई बेंड नहीं करेगा वो, है ना, यस सर, आगे बात सुन में, फोकल लेंथ जीरो, अब यदि बताओ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा, सर जब म्यू टू बड़ा होगा तो एफ पॉजिटिव कैसे होगा, बेटा देखो ये वाला नंबर पॉजिटिव होगा, यस ये वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और इसका रेडियस ऑफ तो भी पॉजिटिव माइनस साइन आएगा ही सही है ना, तो पॉजिटिव होगा, अब ये बताओ म्यू टू और म्यू वन कैसे हो जाएंगे, क्या बेटा मतलब किस टाइम पे होंगे, अच्छा एक मिनट बताएंगे, देखो अब ये आपको आ गया, ठीक है तो अब बताओ क्या होगा, एफ कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, यस सर, हाँ डाइवर्जिंग हो जाएगा, अब ये चीज कब पॉसिबल है कि मान लो ये आपका एक जैसे आपका ये वाटर टैंक है और वाटर टैंक में एक बबल है, ठीक है बेटा एक बबल है मान लो ये एयर है, ये क्या है एयर है, हेलो Yes, sir. Yes, sir. Air yes, sir. है. ये वाला मीडियम आपका म्यू वन है और ये क्या है म्यू टू, तो अब ज्यादा कौन सा है, म्यू वन बड़ा है, yes, ये रेस को ऐसे बिहेव करेगा, आ गई बात सुन में, yes, sir. सर फिर से बता दीजिए, समझ भी नहीं आया, मैं क्या बताते हैं, वैल्यू पुट कर दो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है इसका जो एफ आ जाएगा वो किस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, जैसे क्या होता है कई बार जो जेली वगैरह होती है ना, तो जेली वगैरह का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा फर्क नहीं होता है, एयर का 1 होता है तो इसका कितना होता है मान लो 1.1 है ना, लेकिन जब इसको आप वाटर में रख देते हैं तो वाटर का 1.3 होता है और जेली का कितना होता है 1.1, तो वो जो जेली होती है वो क्या करती है डाइवर्जिंग लेंथ्स की बिहेव करने लग जाती है, आ गई बात समझ में, यस सर, मतलब सर आपने जो फर्स्ट कंडीशन दिखाया अगर कोई बैलून फुला के रख दे तो उसमें हवा होगा तो ऐसे हो सकता है क्या, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट बैलून, अरे यार एक बैलून है, बैलून को आपने हवा भर के रख दिया है,
है ना, तो वो एक डाइवर्ज करेगा ना, उसके अंदर की डेंसिटी कम है, बाहर की डेंसिटी ज्यादा है। जी सर, ठीक है सर। टेस्ट में एक डाउट था सर, एक क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। अच्छा अब देखो एक एक और क्वेश्चन है, साइन आई और साइन आर के ग्राफ वाला क्वेश्चन था बेटा। देखो साइन आई, इधर देखो, इधर साइन आई है, इधर साइन आर है। अब देखो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, ये सब प्रोपोर्शन है। अब इसको है ना, आप ऐसे मत सोचो, इसको एक्स ले लो, सॉरी इसको वाई ले लो, इसको एक्स ले लो, तो एक्स और एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा ग्राफ आएगा सर, स्ट्रेट जो ऑरिजिन से फर्स्ट भी होता है। साइन वगैरह में दिमाग मत लगाओ, ये भी को आई है ना, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, अब सोच लो, ठीक है। यस अब देखो सर, मैंने म्यू सर सर दोनों म्यू ले लिया तो सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर, तब भी एक ही बात होगी ना। हां रेशियो तो वही है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पूछो। हां बोलो बेटा। सर टेस्ट पे क्वेश्चन था, द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट placed in front of a concave mirror is formed at a distance of 40 centimeters from the object. Hmm. If the image is 3 times bigger than the object, the magnitude of focal length of the mirror is. तो focal length निकालना था आपको। तो u कितना दिया हुआ है? Magnification हो रहा है। Magnification कितना दिया हुआ है? Sir minus 3. Magnification minus 3. Minus 3. U दिया हुआ है 40? Sir u 40 है। उसमें दिया था इमेज जो है सर वो 40 सेंटीमीटर पे बनी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अच्छा ऑब्जेक्ट से नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं था। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में देखता हूँ मेरे पास, यदि कभी होगा तो। एक मिनट बताता हूँ। इमेज इज एक्सटेंडेड ऑन कॉन्केव मिरर इज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ। इसका आप इमेज फॉर इस टाइप से कर लें कि ये आपका कॉन्केव जनरल ले लिया आपने, ठीक है। ये आपका क्या है, F है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे उसका इमेज बन गया, क्लियर है? Yes, sir. ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 40. ये वाला डिस्टेंस ले लिया आपने x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 plus x. तो u इक्वल टू कितना होगा, माइनस x होगा? Yes, sir. v इक्वल टू माइनस कितना होगा? माइनस 40 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब निकाल लो मैग्निफिकेशन। यस सर आ जाएगा सर, माइनस 3 है। हाँ अब कर लोगे बेटा? यस सर अब आ जाएगा सर, ट्राई करना। सर आ गया। यस सर, टेस्ट में से क्वेश्चन पूछ। एक मिनट, हाँ बोलो सर। टेस्ट का जो 20th क्वेश्चन था, क्या था 20th क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन क्या था बताओ? इफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ बेटा, वो क्वेश्चन रॉन्ग था, वो क्वेश्चन रॉन्ग था, वो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है आपको 45 डिग्री रिफ्रैक्टिव। बेटा नन ऑफ दिस था ना यार उसमें। हाँ सर सही तो फिर नन ऑफ क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो फाइंड म्यू है ना। अब म्यू किसे निकालना है सर? साइन क्रिटिकल 1 बाय म्यू होता। हाँ तो 1 बाय म्यू, बस 1 अपॉन उसमें डिग्रीज में निकाल। बेटा बेटा वो चीज डिग्री में कैसे आएगी, वो रॉन्ग था ना, वही तो मैंने बोला। प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ माइनस 1 होता है ना, प्लेन मिरर का प्लस 1 होता है। प्लस 1 बेटा सर, उसमें ए और बी तो हो सकता है। क्यों बेटा सर, प्लस 1 कैसे होगा? अच्छा अरे यार सॉरी, ये वाला सर मैंने तो ए ही लगा दिया। नहीं मैं तो सर, पर ज्यादा एप्रोप्रिएट तो प्लस वाला होगा ना। हां सर, यस सर,
लेकिन प्लस वन लिखा है तो ज्यादा मोर करेक्ट है ना. सर तो वन और प्लस वन में सर क्या डिफरेंस है? नहीं, जैसे मैग्निफिकेशन बोल दिया बेटा, थ्री टाइम्स इमेज बना है तो मैग्निफिकेशन थ्री. यदि आपको प्लस थ्री बोला है तो ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं वर्चुअल है. माइनस थ्री बोला है तो मेंशन कर रहे हैं. कौन सा सिक्सटीन? तो बेटा क्वेश्चन बता दो, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है. An object moves away from a stationary mirror with a speed of 10 meter per second. हाँ. What will be the relative velocity of the image with respect to the object? बेटा आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है? मिरर के पास, तो इमेज भी मिरर के पास कितनी स्पीड से आएगा? अबे सर बताया था आपने ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में. इधर जा रहे हो 10 से, तो इमेज भी कितना जा रहा है? 10 से दूर जा रहा है. तो सर डिस्टेंस 20 से बढ़ रहा है, हो जाएगी. क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में वो 20 से दूर जा रहा है ना. हाँ सर. रिलेटिव जिसके रिलेटिव में देखना है उसका मतलब है उसको रेस्ट पे मान के देखना है, ठीक है? ओके सर, आ गया. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 भी पता इफर्ट डाल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? सर वेरी वाइड फील्ड लिखा था, उसका मतलब क्या होता है? क्या वेरी वाइड फील्ड मिरर हैविंग सर जो रियर कैमरा में रियर मिरर में लगा रहता है बेटा. इसका मतलब है इधर देखो, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. हाँ, जो ज्यादा रेस को अपने अंदर ले लेता है, जैसे ये है ना. तो इसमें रेस केवल इस यहाँ से आ सकती है और इस वाली जगह से आ सकती है ना. जैसे मान लो मैंने एक मिनट बना के दिखा देता हूँ. मान लो ये है कोई मिरर है ना, ये कॉनकेव है. तो इसका व्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है रेस, हम देखा जाए तो इस वाली पोर्शन से आ सकती है रेस, है ना? Yes, sir. और एक ये आपका कॉनकेव है, कॉनकेव है ना, और यहाँ पे आपने बना दिया है कॉन्वेक्स. किसका व्यू ज्यादा है, किसमें ज्यादा दूर तक का दिख सकते हो? इधर से भी देख सकते हो ना, इसमें इधर से भी देख सकते हो. इसका व्यू बड़ा होता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक ये चीज बताओ. वन बाय एक ग्राफ है, मान लो ये है वन बाय वी और ये है वन बाय यू, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो कौन से मिरर में? तो कौन के? कोई से भी मिरर में एक ही बनेगा. छोटा होता जाएगा, लीनियर लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से जाएगी. ओरिजिन से होके जाएगी तो 1 / u + 1 / v है ना. तो अब आप u और v को मत देखिए, u और v को देखोगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्लियर है? 1 / u को ले लो x, 1 / v को ले लो y, और 1 / a फोकल लेंथ तो कॉन्स्टेंट होता है. Yes, x plus y का क्या है कांस्टेंट, मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? कम होगी. कुछ इस टाइप से बनेगा काम. आ गई बात? ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है? ऐसा बनेगा. अब यदि आप v और u को अज्यूम करोगे तो कभी भी ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाओगे. आ गई बात समझ? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है, ठीक है? वो भी हम 11 12th में करते हैं, लेकिन आ गई ना बात समझ? तो आपको 1 / v और 1 / u का पूछा जा सकता है. अब आपके मॉड्यूल में ना, हाँ बोलो बेटा. सर आपने लेक्चर में कुछ ऑप्टिकल बेंच बोला था, तो सर वो क्या है? ऑप्टिकल बेंच क्या होता है कि एक टेबल होती है, ठीक है? एक टेबल होती है और यहाँ पे जो चीजें होती है, मतलब यहाँ पे एक ऐसे दो रेज होती है, एक और होती है, ठीक है? और एक स्टैंड होता है ऐसा, एक इस पे होता है, एक इस पे होता है, और इस पे एक एरो लगा होता है ना. यहाँ पे क्या रखा होता है, ऐसे ही एक स्टैंड होता है, उसमें से जगह होती है लेंस रखने की, ठीक है? तो उसमें हम लेंस रख देते हैं और इधर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि इमेज उसका बन रहा है नहीं बन रहा है ना. इसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं. आ गई बात समझ? तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच. और उसमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं, जैसे ये 10 है, ये 30 है, तो डायरेक्टली हमें फोकल ये वाली डिस्टेंस पता लग जाती है 20. ऑप्टिकल बेंच, ऑप्टिकल रेंज, बेंच, बेंच, टेबल बेंच. ओके सर. ऑप्टिकल है ना, ये लेबोरेटरी में हम देखते हैं. अच्छा एक बात बताओ,
इसमें आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, ठीक है? उस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस में एरर भी है ना, वो वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ जिसमें एरर है। पहला क्वेश्चन है कि एक होता है सर पेज नंबर बता दो। अच्छा, ये होता है, इसको हम बोलते हैं, इसे लेंस नहीं है, एक मीडियम है जैसे, क्योंकि लेंस हम कब मानते हैं जब ये वाला डिस्टेंस क्या बहुत कम होती है, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन कोई भी इस टाइप का मीडियम हो, मान लो ये हो, इस टाइप का एक मीडियम ये हो, मान लो ये एक मीडियम है और ये भी एक मीडियम है, आ गई बात समझ? तो ये आपका लेंस नहीं है, ये आपका लेंस नहीं होता है, आ गई बात समझ में? यस सर। ये हमारे सिलेबस मतलब किसी एग्जाम के सिलेबस में नहीं था, वो क्वेश्चन बोनस हुआ था उस ईयर में, है ना? लेकिन उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई म्यू माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है? म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है? ये फॉर्मूला लगेगा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो देखो इसमें क्या है, ये वाला डिस्टेंस होता है आपका u, है ना? और जहाँ इमेज बनता है वाला डिस्टेंस होता है, बाहर वाला मीडियम होता है म्यू वन और अंदर वाला मीडियम होता है म्यू। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, तो वो मैं आपको देखो बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, वो आपको नहीं करना है, एक बार ट्राई कर लेना। मतलब क्या चीज निकालने के लिए? किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? जिनका रिफ्लेक्टिव लेंस नहीं बनाया है वो पूरा। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 77 वाला। तो इसमें टू टाइम, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होगा, तो दो बार आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है? Okay, आप एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो बता दूंगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है? सर उसमें एक बार यू वी और आर क्या था, एक बार बता दीजिए। ठीक है, जो बाहर वाला मीडियम है वो है म्यू वन, अंदर वाला है म्यू, ठीक है? अब इसमें क्या दिया, हाँ अब उसमें क्या है कि एक और सरफेस इस टाइप से भी दिया हुआ है अंदर, अंदर उसमें एक सरफेस इस टाइप से भी दिया हुआ है कि दूसरी सरफेस जो है वो इस टाइप से है, ठीक है? इसको मैं कैसे बनाऊं, मतलब यहाँ पे एक अलग मीडियम है, एक सरफेस ये है और यहाँ पे अलग मीडियम, ठीक है? तो वो एक लेंस लेंस जैसा बना है, लेकिन वो लेंस नहीं बना है, क्योंकि लेंस हम कब बोलते हैं, जब उसका थिकनेस बहुत कम हो, यहाँ पे थिकनेस बहुत ज्यादा है, है। तो एक बार इस सरफेस से रिफ्रेक्शन करना है और एक बार दूसरी सरफेस से रिफ्रेक्शन करके आंसर निकालना है, क्लियर है? यदि आप चाहोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन उस पे लोड नहीं लेना है, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ क्वेश्चन कौन सा बेटा, 76 सर, 6th टेस्ट। अच्छा, टेक्स्ट का 6th क्वेश्चन क्या था बेटा, थोड़ा सा हिंट दो मुझे। सर जस्ट मुझे एक चीज पूछनी थी सर, जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी वाला पूछा था, तो सर मैंने देखा था वो लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब 10 माइनस माइनस 10, तो सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा सर, मतलब इस एक मैं बता रहा हूं यार। सर वो क्वेश्चन 6 लास्ट स्लाइड्स में ही है, आपने अभी किया क्या था क्वेश्चन बताओ सर, वो 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर वाला, तो उसमें नहीं हुआ सर, मेरा नहीं है सर, वो किसी और का है सर, किसी और ने पूछा था। तो आंसर नहीं आ रहा क्या उसका सर, पता नहीं हो गया ना उसमें, डाउट क्या है 6th
सर ये जो 76th वाला था ये भी एक बार बता। अच्छा हाँ बेटा वो भी क्वेश्चन रॉन्ग है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ, लेकिन उसे बता दूंगा कि वो एनसीईआरटी वालों ने भी उसमें सॉल्यूशन किया दिया था, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन अच्छा था, उन्होंने अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कई बार कुछ एरर हो जाती है ना। 76 वाला देखो, एक स्क्रीन बना लेते हैं, उसमें एरर है वो भी मैं बता दूंगा, उन्होंने क्या कोशिश किया था उनकी, मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया और गलत कैलकुलेशन कर लिया तो आंसर उनका रॉन्ग हो गया है ना। ये देखो ये एक लेंस है बेटा, ये क्या है आपका लेंस है, ठीक है। एंड इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पे जो रेज है वो ऐसी आ रही है, आ गई बात सुने, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है आपका बल्ब है ना, कोई भी सोर्स है, आ गई बात सुन में। और ये जो वर्टेक्स एंगल है ये वाला दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अब थोड़ा सा देखो गेस करो ये वाली हाइट कितनी मिलेगी, ये वाली बताओ 10 मिलेगा, 10 ये वाला 10 है, ये एंगल 45 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा, तो यू yes, आपका हो गया -10, यू है ना, यू यस -10 है ना। अच्छा अब बताओ पावर कितना दिया हुआ है, 5 डी। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/5 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो देखो 1/f = 1/b - 1/u, ठीक है, 1/b - 1/u, ठीक है। अब देखो उन्होंने जो गलती किया है सॉल्यूशन में वो ये गलती किया था उन्होंने कि 1/20 लिखा उन्होंने, इक्वल्स टू 1/ बी कितना दिया हुआ है, एक मिनट शायद एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बी कितना हमें फाइंड करना है, और यू U कितना हो जाएगा, 10 पॉजिटिव 1/10। तो V इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/20 -10 नहीं, V इक्वल्स टू आएगा माइनस 20, कितना आएगा V इक्वल्स टू -20। आई बात समझ में, सॉल्व कर लोगे नहीं कर पाओगे, मतलब एक्चुअल में रेस क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ज होगी, हाँ डाइवर्ज होगी, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, वापस कहाँ मिलेगी, इस जगह मिलेगी है ना, इस जगह मिलेगी। तो एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेक्स, एंगल जो है 10 थीटा है ना, 30 डिग्री 10 थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है 10 है, और बेस कितना है 20, तो मतलब कितना आएगा 1/2 आएगा। आ गई बात सुन में, ये आपका ऑप्शन में नहीं है, क्लियर है। अब उन्होंने जो गलती किया, उन्होंने जो गलती किया सॉल्व करने में वो मैं बता देता हूँ, उन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको प्लस ले लिया, आ गई बात सुन में, मतलब गलती से कौन सा फार्मूला लगा दिया उन्होंने, मिरर वाला, मिरर को लगा दिया, तो उसके उससे आपका आंसर देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। देखो ये प्लस होगा तो ये माइनस आएगा, माइनस आएगा तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 1/20 + 1/10 इक्वल्स टू 1/b, तो आंसर कितना आएगा, देखो सर 20/3 b इक्वल्स टू आ गया 20/3। तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया डायग्राम है ना। अब परपेंडिकुलर कितना है, यस 1.5 आ जाएगा, अपॉन 20/3, तो आंसर हो गया 1.5, लेकिन ये करेक्ट थोड़ी ना है यार, ये सर वो तो कुछ और ही बन रहा है, हाँ कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ऐसा बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं बन सकता ना, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आप इसको क्रॉस चेक करो, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना, और फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है,
पोल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहाँ रखा हुआ है? लाइट पे होता तो बनता है सर, और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा? सेम साइड बनेगा ना? यस सर, यस। तो मतलब ये वाली सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है आपका? रॉन्ग था, क्लियर है? हाँ, मतलब ये डायग्राम कुछ गलत है सर। ये बोलो बेटा सर, ये स्टेज टू में आया होगा? नहीं बेटा, स्टेज वन में आया था आंध्र प्रदेश में, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही बार में आए थे, ठीक है? आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे बेटा, हो सकता है कई बार पेपर उन्होंने कहीं से बनाया और एक और क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? जो 3 इंच वाला है ना, 80 नंबर है का, क्या है क्वेश्चन, उसको 3 मीटर कर लो तो आंसर मैच करेगा। मीटर कर लोगे तो आंसर मैच करेगा, ट्राई करना। आ गई बात समझ में? ओके सर। 3 इंच से आंसर नहीं मिलेगा, 3 मीटर से आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला बताओ। पहले थोड़ा सा फील करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी होता है कि हर कोई इंसान अपने आप को रेस्ट पे देखता है, अपने आप को क्या करता है, रेस्ट पे देखता है। जैसे हम मान लो ट्रेन से आ रहे हैं ग्वालियर, तो हम क्या बोलते हैं, ग्वालियर आ गया। ग्वालियर आता है क्या हमारे पास? नहीं, हम ग्वालियर पहुंचते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो भी चीज बताते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, हमारे रिस्पेक्ट में बताते हैं, है ना? जैसे हम ट्रेन से जा रहे बोल रहे हैं ग्वालियर निकल गया, अब ग्वालियर नहीं निकला है, आप ग्वालियर से बाहर चले गए हो, लेकिन हमें क्या फील होता है कि ग्वालियर हमसे दूर चला गया। यस सर। अब जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है, ये बॉक्स है, तो क्या होता है, इसकी यदि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जो हम देखते हैं कि ए पर्सन क्या देख रहा होता है, कि वो देख रहा है मैं तो रेस्ट पे हूं। ए पर्सन क्या सोचता है, मैं तो रेस्ट पे हूं, लेकिन बी वाला क्या हो रहा है, मेरे पास में आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा ही फील होता है। Yes, sir. है ना? तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है बी बी माइनस बी ए। क्या होता है? बी बी माइनस बी ए। तो अभी हमने यही किया है, वेलोसिटी ऑफ ए 10 था, है ना, इस साइड में, इसे क्या फील हो रहा है, इस साइड में। तो देखो फॉर्मूले से निकाल के देखो, यही मिलेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, बी बी माइनस बी ए। बी बी की वेलोसिटी तो रेस्ट पे 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10, तो आपको कितना मिला, -10 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? यस सर। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो सर। रेगिस्तान में सर जो पानी की इमेज बनती है सर, वो मैं बताता हूँ, जब उसके पास जाते हैं तब जाके वो पानी गायब हो जाता है। ठीक है ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। ये बात आ गई समझ में सर? ये मिराज भी बताया सर। अब देखो, रुको रुको, सब चीज समझ में आएगी, ठीक है। ये था ऑब्जेक्ट, ये इधर जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका इमेज भी इस साइड आएगा 10 मीटर पर सेकंड से। अब इसको वेक्टर फॉर्म, हाँ, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो होगा 10 मीटर पर सेकंड, यस सर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज वो कितना होगा, -10 मीटर पर सेकंड। अब निकालो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, -10, ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10, मतलब -20 मीटर पर सेकंड। आ गई बात सुन में? यस सर। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये खुद इसको रेस्ट पे करना है, इसको रेस्ट पे करना है, तो इसमें क्या कर देते हैं, -10 कर देते हैं, तो इसमें -10 कर देते हैं, तो इसकी वेलोसिटी तो -10 थी, तो ये -20 हो गई, ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है? मतलब खुद को अपने को रेस्ट पे दिखाना है जिसके रिस्पेक्ट में हम, क्लियर है? अब देखो मिराज क्या होता है, जो हम कंफ्यूजन होता है कि मान लो
ये होता है TIR की वजह से, किसकी वजह से होता है TIR, ये मान लो एक ट्री है, ठीक है। अब यहां से जब बहुत ज्यादा क्या हो रही है, गर्मी होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, गैसेस के डेंसिटी चेंज होता है, तो क्या होता है कि जो रोड होता है हमारा वो कंक्रीट का होता है, ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर आपको पता है बहुत जल्दी गर्म होता है ना, तो जल्दी गर्म होने की वजह से जो ऊपर वाली जस्ट पास वाली एयर है ये क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ये वाली क्या हो जाती है, एयर ज्यादा गर्म हो जाती है, और ये ज्यादा गर्म हो गई तो यहाँ के पार्टिकल दूर दूर चले गए। यस सर। अब पार्टिकल दूर दूर चले गए, यस सर, तो यहाँ की यहाँ पे बन गया एक रेयरर मीडियम, क्या बन गया, रेयरर मीडियम, और ऊपर क्या हो गया, रिलेटिवली डेंसर मीडियम। हाँ सर, तो ये ऊपर डेंसर मीडियम डेंसिटी में पास पास करता जा रहा हूँ, है ना, और बहुत ज्यादा डेंसर हो गया, क्लियर है। यस सर। अब यहाँ से मान लो रेज आई, यहां से क्या हुई, रेज आई, ठीक है, तो यहां से देखो रेज आई किस साइड बेंड होगी बताओ, टुवर्ड्स या अवे, रेरर टू डेंसर, ठीक है, अवे अवे और अवे हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, टीआईआर बन जाता है, तो आपको यहाँ पे जो पर्सन है उसको ये रेस कहां से आती हुई दिखाई देती है, उसको फील होता है कि कुछ ऐसा ट्री है, आ गई बात समझ में, तो yes, आपको यहाँ पे इसके जो ग्रीनरी है वो ग्रीनरी नीचे दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ पानी वगैरह है जिसका जिसमें आपको उस ट्री का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्लियर है। yes, मतलब हाँ ऐसा बोलते हैं, इल्यूजन हो रहा है, ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, मिराज जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, TIR हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, TIR हो गया, टोटल रिफ्लेक्शन हो गया, TIR, आ गई बात समझ में। यस सर, आ गया। और बताओ। यस सर, आ गया सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो पढ़ेंगे, उसका वीडियो बनाऊंगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है सर। रियल इमेज की शैडो बन सकती है क्या, क्या बेटा, रियल इमेज की शैडो, रियल इमेज की शैडो, यस सर, रियल इमेज तो हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं ना, ऐसे हवा में तो बनेगी नहीं सर। आपने सिमुलेशन भेजा था जनरेटर वाला सर, वो ओपन नहीं हो रहा बेटा। यार वो प्रतीक सर से बात करो, उन्होंने मतलब आपको किस फॉर्मेट में है ना, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, उनका सिंपली का है ना, मुझे उसका ज्यादा आइडिया है नहीं, क्लियर है। अब देखो स्केटरिंग, देखो स्केटरिंग में समझा देता हूँ, इसका वीडियो भी दे दूंगा। क्या होते हैं कि जब भी किसी टीनी पार्टिकल्स होते हैं, किसे होते हैं, टीनी, बहुत छोटे पार्टिकल जिनकी जो साइज है वो किसके इक्विवेलेंट हो, वेवलेंथ के इक्वल हो, साइज कितना इक्वल हो, वेवलेंथ के इक्वल, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल हो, ठीक है, तो लाइट जब इस पे गिरती है तो वो क्या जो कैसे हो जाते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कैसा रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और लाइट रे स्प्रेड हो जाती है, लाइट रे क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ की पावर 4, क्लियर है। Yes, इससे क्या होता है, when light ray incident on tiny particles, है ना, due to diffused या irregular reflection, they spread in random possible direction. Light ray कौन सी direction में चली जाती है, random direction में चली जाती है, इस phenomenon yes, को बोलते हैं scattering of light, clear है। Yes, अब scattering of light, अब ये power आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि lambda किसका ज्यादा होता है, विबग्योर, है ना, तो कौन सा, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये होता है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, विबग्योर इसकी होती है 4000, है ना, और इसकी होती है 8000, तो स्केटरिंग किसका ज्यादा होता है, वायलेट ज्यादा होगा स्केटरिंग ऑफ रेड के, आ गई बात समझ में।
yes, अब देखो yes. तो हमारे कलर कौन से होते हैं? तो ये जो कलर है विबग्योर, इनका क्या होता है? स्केटरिंग ज्यादा होता है. इनका स्केटरिंग क्या होता है? ज्यादा होता है. और इनका क्या होता है? रिलेटिवली लेस होता है. ठीक है, तो जो इसका हाँ जो एटमोस्फियर के ऊपर वाले पार्टिकल है वो स्केटरिंग करते हैं. स्केटरिंग होगा तो इन वाले कलर्स का स्केटरिंग ज्यादा होता है, तो इसलिए हमको इनका ओवरऑल कलर कैसा दिखता है? ब्लू. ब्लू दिखता है, इसलिए स्काई हमको ब्लू दिखता है. क्लियर है? यस सर. कभी भी ये मत लिखना रेड का स्केटरिंग नहीं होता है. रेड का होता है लेकिन रिलेटिवली कम होता है, लेस होता है. आ गई बात? वॉयलेट का सर ज्यादा होता है ना. हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा वॉयलेट स्केटर्ड हो जाता, नहीं. वॉयलेट का ज्यादा होता है, रेड का कम होता है. क्लियर है? वापस बता दीजिए कि वो स्काई ब्लू क्यों आता है. देखो बेटा, स्केटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के. ठीक है, स्केटरिंग किसके प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के. तो हम बोल सकते हैं वॉयलेट कलर का स्केटरिंग ज्यादा होता है, रेड कलर का कम होता है. क्लियर है? मतलब यदि विबग्योर की माने तो सबसे ज्यादा स्केटर्ड क्या हुआ? वॉयलेट. लेस हुआ. बाकी इसी के बीच में बाकी कलर्स भी होंगे, है ना? हाँ सर. तो जब लाइट रे टिनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आती है तो स्केटरिंग होना स्टार्ट होता है. तो जो लोअर वेवलेंथ कलर है उनका स्केटरिंग ज्यादा होता है और हायर वेवलेंथ वाले का रिलेटिवली कम होता है स्केटरिंग. तो इसलिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना. मतलब हो सकता है कि देखो ऐसा मान लो 50% वॉयलेट है, इंडिगो कितना है 20%. सर आपका वॉइस कम हो. ठीक है, ये आपका मान लो 30% है, इसमें 10% ब्लू है, ग्रीन आपका 5%, येलो आपका 2%, ऑरेंज 1% और ये 0.2% रेड है. तो ज्यादा इफेक्ट इन कलर्स का है. तो इनका ओवरऑल कलर कौन सा होता है? ब्लू. ब्लू होता है, इसलिए आपका स्काई ब्लू होता है. क्लियर है? ब्लू क्यों होता है? ओके सर. बेटा ये क्यों होता है? मतलब वॉयलेट इंडिगो ब्लू का मिक्सचर कलर वो होता है. ठीक है. सर हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी थी कि सर हमें एक डिस्टेंट ट्री है और हमें उसके फुल लेंथ इमेज देखने, तो हम लोग प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव यूज कर रहे हैं. सर प्लेन और कॉन्वेक्स का तो समझ में आता है, लेकिन सर कॉनकेव ने उसने दिया था सर्टेन पोजिशन, जैसे कॉनकेव मिरर का सर्टेन पोजिशन पे हमें फुल लेंथ इमेज दिखती है. तो सर वो सर्टेन पोजिशन मतलब फोकस हमने क्या बोला है कि उससे ट्री से इतनी ज्यादा रेज नहीं आती है कि क्लियर इमेज बने. जब सब रेज एक जगह मिलेगी तभी क्लियर बन सकती है ना. सर बट जैसे मैग्नीफाइड इमेज भी मिलती है हमें. नहीं, सुनो, ये है आपका, है ना. अब ये आपका कॉनकेव मिरर है. अब हमने क्या बोला, फोकल लेंथ ये हो गई 20 सेंटीमीटर, ये हो गई 40 सेंटीमीटर. आपका ये कितना दूर होगा अराउंड ट्री? ये राउंड बोल दिया, कितने मीटर मान लो आप? 10 मीटर. और भी ज्यादा होगा, 20-30 मीटर होगा. yes, चलो 40 मीटर मान लिया. तो 40 मीटर कितना होता है सेंटीमीटर में? 4000. तो इसका 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v करोगे. ठीक है, तो जो v आएगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा? 20 के इक्वल ही आएगा. ठीक है. Yes, sir. मतलब कहाँ बन गया? अप्रोक्सीमेट फोकस के पास. आ गई बात समझ में? आपने का डिस्टेंस कितना लिया? डिस्टेंस 4 मीटर, 40 मीटर. ट्री तो दूरी होता है ना. और सर ओके सर, तो इसको आप सॉल्व करोगे. चलो सॉल्व करके देख लो. 1/-20 है ना इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी? -1/20 -1/4000 इक्वल्स, हाँ ये प्लस हो जाएगा है ना, इक्वल्स टू 1/v. एलसीएम कितना आएगा? 4000. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जी? कितना हो जाएगा? -1/200 + 1 इक्वल्स टू 1/v. तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 4000 upon 199. तो approximately कितना हुआ? 20 के करीब ही आएगा. Yes sir. वो focal length. हाँ, जब भी हमने बोला ना थोड़ा सा distance आप 10 times दूर चले जाओ
तो लगभग लगभग कहाँ बनता है, फोकस में ही बनता है, ठीक है? अच्छा ओके ठीक है, मतलब ज्यादा वेरिएशन पड़ेंगे क्या बेटा? वो मैं वीडियो भेजूंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है? तो देखो अब स्केटरिंग समझ लो, अब समझ रहे हो तो, है ना, दो तीन मिनट में वही समझ सकते हैं। तो अब ये समझ में आया बेटा कि स्केटरिंग कौन सा कलर का ज्यादा होता है? यस सर, आ गया। है ना? एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, हाँ बोलो सर। जो स्केटरिंग होती है वो टाइनी पार्टिकल्स ही कर सकते हैं, और मतलब बड़े जो होंगे वो नहीं कर पाएंगे? थोड़े बड़े कर सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, सब स्केटरिंग खत्म होने दो, ठीक है? अच्छा ये है हमारा एटमोस्फियर, तो स्केटरिंग कब होता है? स्केटरिंग यहाँ पे इस वाले पार्ट में होता है। एटमोस्फियर के ऊपर होगा क्या स्केटरिंग? नहीं होगा, तो यहाँ पे होता है स्केटरिंग। अब आप यहाँ से देखोगे तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लू। लेकिन आप यहाँ से देखोगे ऊपर तो आपको क्या दिखाई देगा? ब्लैक। यदि आप एटमोस्फियर से ऊपर चले गए तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा? ब्लैक, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्केटरिंग नहीं हो रहा है, नहीं है सर। आगे बस, तो इसलिए हो सकता है कि एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो ब्लैक क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि स्केटरिंग ऊपर हो ही नहीं रही है ना, स्केटरिंग तो उसके नीचे हो रही है। रीजन समझ में आया? ठीक है, यस सर, आ गया। अभी और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जब यदि थोड़ा सा पार्टिकल का साइज बढ़ जाता है, थोड़ा सा पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है? तो बाकी कलर्स का भी स्केटरिंग होने लग जाता है। तो क्या होता है? बाकी कलर्स का भी स्केटरिंग होने लग जाता है, मतलब पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो वो इंडिगो ब्लू को ही स्केटर करते हैं, लेकिन यदि पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो सभी कलर्स का स्केटरिंग होने लग जाता है। क्लियर है? तो जो आपके क्लाउड होते हैं, क्लाउड के पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। क्लाउड के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। सर मिनिमम कितना होना चाहिए? बेटा वेवलेंथ की रेंज में होना चाहिए, ठीक है? कभी कहीं भी आप एग्जैक्ट साइज नहीं पढ़ोगे, ये बोलता है इन द सेम रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है? तो पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो सभी कलर्स का स्केटरिंग होता है। क्लाउड पार्टिकल के पार्टिकल का साइज रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें सभी कलर्स का स्केटरिंग होता है। क्या होता है? सभी कलर्स का स्केटरिंग होता है। वो सभी कलर्स का स्केटरिंग हो गया तो ये आपको कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, अभी और भी इसके स्केटरिंग के और भी मतलब फिनोमिना है, वो आप समझिए कि ये मान लो आपका अर्थ है ना, और ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फियर है। ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फियर। अब यदि दिन में जो लाइट आती है वो ऐसी स्ट्रेट आती है? यस सर। और शाम के टाइम ऐसी आएगी? ज्यादा डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल करती है एटमॉस्फियर में लाइट? शाम के टाइम को सर। तो इस वाली डिस्टेंस में मोर स्केटरिंग होगा? यस सर। वाले केस में लेस होगा सर। तो देखो व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट आई? व्हाइट लाइट ने एंटर किया, पहले कौन सी स्केटर्ड हो गई? वॉयलेट हो गई। फिर कौन सी हो गई? इंडिगो। फिर ब्लू। लास्ट तक आपको कौन से कलर पहुंचते हैं? रेड, ऑरेंज। ये आपको इवनिंग के टाइम पे जो सन है वो कैसा दिखता है? रेडिश दिखता है। कैसा दिखता है? रेडिश। हाँ, कभी भी ये मत बोलना उसमें वॉयलेट नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ठीक है? यस सर। हाँ, कभी ये मत बोलना कि वॉयलेट पूरा स्केटर्ड हो जाता, नहीं, वॉयलेट ज्यादा स्केटर्ड होता है, रेड कम स्केटर्ड होता है, ठीक है? तो जो फाइनल लाइट आती है उसमें रेड का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए वो आपको दिखता है रेडिश दिखता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, अब जो रेड कलर है वो स्केटर्ड कम होता है तो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा? हाँ सर, करेगा सर। करेगा, तो इसीलिए जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाते हैं ताकि वो दूर से ही दिख जाए। Okay, sir. सर इसी में डाउट है। हाँ? सर जैसे एक एस्ट्रोनॉट है स्पेस में, उसे अर्थ ब्लू कलर की दिखती है। हाँ? सर ये भी स्कैटरिंग का ही समय। और क्या, यहाँ पे स्केटरिंग है, यहाँ पे पूरा कलर कौन सा फैला हुआ है? ब्लू वाला कलर। अब ऊपर से देखोगे तो ये वाला ब्लू दिखाई देगा, नीचे से देखोगे तो ऊपर ब्लू दिखाई देगा। यस, ठीक है। एटमोस्फियर के अपर लेयर में आपको स्केटरिंग होता है, ठीक है? अब ये वाला जो रेंज है ये ब्लू है, अब ऊपर से देखोगे तो नीचे दिखाई देगी, नीचे से देखोगे तो वो ऊपर दिखाई देगी। क्लियर है? सर लेकिन बादल तो सफेद ही दिखाई देते हैं। क्या सर? क्लाउड्स तो सफेद ही दिखाई देते हैं। बेटा क्लाउड्स का हमने बताया ना कि क्लाउड्स के पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा तो उसमें सभी कलर्स का स्केटरिंग होता है। क्लियर है? और सभी कलर्स का ओवरऑल कलर कौन सा होता है?
व्हाइट, इसलिए क्लाउड्स आपको व्हाइट दिखते हैं, ठीक है? अच्छा, होता होगा क्या विंटर्स में फॉग आते हैं ना? फॉग आते हैं, हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, एक सॉल्यूशन है ना। अब मान लो कोई पार्टिकल नहीं है तो आपको लाइट का पाथ नहीं दिखता है, कोई भी लाइट का पाथ नहीं दिखता है, ठीक है। एक कोई कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और उसके यदि अंदर आप कौन सी लाइट भेजते हो, व्हाइट लाइट भेजते हो, तो ये जो पाथ है, ये लिक्विड है, ये आपको हल्का ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। कैसा दिखता है, ब्लूइश पार्ट दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें जो लोअर वेवलेंथ कलर है उनका स्केटरिंग होता है, ठीक है। हाँ, तो ये आप पढ़ोगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। सर टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट यही है बेटा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, रेंडम शो करते हैं, और ये पाथ कैसा होता है, विजिबल होता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सर एक बार वो और बता दीजिए, आप पार्टिकल्स के बारे में बताए थे कि कुछ पार्टिकल्स सारे स्कैटर कर देते हैं, कुछ थोड़ी स्कैटर कर पाते हैं। लोअर बहुत पार्टिकल का साइज जो होता है, यदि बहुत छोटा होता है तो वो लोअर वेवलेंथ वाले कलर करते हैं, ठीक है, और पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बाकी कलर को भी स्केटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, या बोल सकते हैं वेरी स्मॉल साइज है, तो वो ओनली कौन सी करते हैं, लोअर वेवलेंथ। यस सर, वो थोड़ा सा साइज क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो ऑल कलर का स्केचिंग होने लगता है, ठीक है। यस सर, तो इसलिए ऑल कलर का जहां स्केचिंग होगा वहां आपको दिखाई देगा व्हाइट, और जहां लोअर वेवलेंथ वाले कलर का स्केचिंग ज्यादा होगा तो वहां पे आपको दिखाई देगा ब्लूइश। Yes, sir. Only पूरा ब्लू नहीं होता है, मतलब हम उसको ये नहीं बोल सकते उसमें वो ब्लू है, उसमें वायलेट ज्यादा होगा, इंडिगो उससे कम, ब्लू उससे कम, है ना, और उनका ओवरऑल कलर ब्लूइश होता है। अभी से स्केटिंग वगैरह का मैं वीडियो भेजूंगा, है ना, अभी वो चीज अपने नहीं पढ़ी है, स्केटिंग, डिस्पर्जन, प्रिज्म, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू सर, बाय सर, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे सर।